Hey, this is Sunny, और आज मैं आपके साथ हेल्थी स्नैक्स शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपके काम आएंगे थ्रू इस लॉकडाउन. आपने देखा होगा आजकल क्या आप हैं क्या मैं हूँ आंड है कि गवांड है कि छोटा है कि बड़ा है सारे जो हैं एक ही मुसीबत में फंसे हुए हैं. कोरोना वायरस सारे के पीछे पै गए हाथ धो के एंड वट वी आर डूइंग इज जस्ट मंचिंग ऑन फूड जिहड़ा साडे कहिंदे चक्की जाओ फट्टे जिहड़ी भी फूड आउंदा खाई जाओ. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नो सूनर और लेटर इस COVID-19 इंशाल्लाह इज गोना कम टू एन एंड एंड देन वी आर ऑल गोना कम आउट ऑफ दिस टुगेदर. बट बाय देन साडी गोगट जिहड़ी हैगी वो इतनी बड़ी निकल गई होगी कि जब आप पहले दिन काम पर जाएंगे तो आपका ढिड पहले ऑफिस में बढ़ जाएगा बाकी के आप बाद में जाएंगे. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर मोटिवेटेड डेडिकेटेड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ अ डे. अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार मैं वर्कआउट नहीं कर सकता. द रीजन आप वर्कआउट नहीं कर सकते बिकॉज आप अपनी डाइट की बैंड वैगन से उतर गए हुए हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू मंच ऑन हेल्थी स्नैक्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ अ डे. हेल्थी स्नैक्स के अंदर आई हाईली रिकमेंड ये चार पांच चीजें हैं जो कि मैं खुद भी रिकमेंड करता हूं बच्चों को भी कहता हूं और अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करता हूं. सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी फ्रूट्स की होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन सीजनल फ्रूट्स. आई हैव ऑनलाइन कोचिंग क्लाइंट्स इन ऑस्ट्रेलिया सऊदी अरेबिया. सो डिपेंडिंग ऑन कहीं विंटर है कहीं समर है सीजनल फ्रूट्स जो भी अवेलेबल है स्टिक टू द बेरीज इफ यू कैन बिकॉज वेरी रिच इन योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड यू नो वेरी लो ऑन कैलोरीज. सो अगर आप स्ट्रॉबेरीज ब्लैकबेरीज ब्लूबेरीज वगैरह ले सकते हैं अफोर्ड कर सकते हैं यू नो अ हैंडफुल और एक कप आप बेरीज का जरूर लें एज ए स्नैक. नहीं ले सकते केला जो है वो सबकी माँ है कहते हैं ना जैसे कि यू नो जरूरत सबकी इजाद है और इसी तरह केला सबकी माँ है कि हर जगह आपको केले मिल जाते हैं. रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम वेरी गुड फॉर योर डाइट वेट लॉस है वेट गेन है थ्रू आउट आपको मोटिवेटेड रखने के लिए. इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल. सो केले हो गए सेब हो गए नाशपाती हो गई अंगूर हो गए बेरीज हो गई कोई भी सीजनल फ्रूट एक कप एक कोली जरूर लें डेली दिन में. दैट विल गिव यू योर बेसिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बेसिक मिनरल्स आपको चाहिए वो आप फ्रूट से ले सकते हैं. सो आपने यू नो आपने तीन बार खाना खाना है लेकिन आपके स्नैक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल. ये आपका पहला स्नैक हो गया. दूसरा स्नैक जो मैं रेकमेंड करता हूं दीज आर कॉल्ड योर राइस केक्स. ये याद रखें कि आपके हर स्नैक्स के अंदर से आपको कोई ना कोई फायदा होना चाहिए. पिज्जों से आपको फायदा नहीं है रोटियों से आपको फायदा नहीं है बर्गरों से फायदा नहीं है. ये आपको आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे आपको फलों से. दूसरा स्नैक जो मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ दीज आर कॉल्ड जिसे मुरमुरे या फलियां कहते हैं उर्दू या पंजाबी या हिंदी में इन इंग्लिश इज कॉल्ड राइस केक. सो राइस केक इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपकी एनर्जी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. साथ में यू नो फिक्के दीज आर नॉन फ्लेवर्ड राइस केक ये आपसे वैसे खाए नहीं जाएंगे. पुट अ टीस्पून ऑफ पीनट बटर ऑन इट. पीनट बटर ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन ग्रेट सोर्स ऑफ गुड फैट. सो ये याद रखिएगा कि जैसे मैंने बताया कि हर स्नैक से आपको कोई ना कोई फायदा मिलना चाहिए. इस स्नैक से जो फलियां या मुरमुरे या आपके जो राइस केक्स हैं उसे आपको क्या फायदा मिल रहा है आपको आपको कार्बोहाइड्रेट्स सोर्स ऑफ एनर्जी गुड कार्ब्स इज गुड फॉर योर ब्रेन एज वेल. अ हेल्थी माइंड नीड्स अ हेल्थी बॉडी टू फंक्शन. डोंट कट योर कार्ब्स टू लो सो रिलाई ऑन योर स्नैक्स एज वेल. सो आपके कार्बोहाइड्रेट्स और आपकी प्रोटीन एंड फैट की सोर्स आपकी राइस केक्स एंड पीनट बटर से आ गई. मूविंग ऑन another essential healthy snack that I normally recommend मैं लोगों को recommend करता हूँ is your nuts. Mixed nuts बादाम हो गए काजू हो गए पिस्ते हो गए मूंगफली हो गई because they are very good source of protein. They are extremely good source of your good fats. ये याद रखिएगा कि जब आप कोई भी diet बनाते हैं उसके अंदर आप macronutrient देखते हैं अपनी protein carbohydrates और fat की ratio देखते हैं. So इसीलिए जब मैं आपको snacks भी recommend कर रहा हूँ कि एक बार फल लें एक बार rice cakes और peanut butter लें एक बार ये आप अपने dry fruits लें handful of dry fruits on an average 6-10 कैलोरी पर काजू या पर बादाम होती है एक एवरेज है. सो हैंडफुल ऑफ यू नो 8-10 दाने अगर आप दिन के खा लेंगे इट वॉन्ट मेक यू गेन टू मच ऑफ अ वेट बट इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स गोइंग इनटू योर बॉडी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वन ऑफ माय फेवरेट स्नैक्स इज प्रोटीन शेक. सो मेक श्योर अपनी डाइट के अंदर एज ए स्नैक प्रोटीन शेक को लेना मत भूलें बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आपको प्रोटीन भी चाहिए आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए आपको फैट्स भी चाहिए आपको ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए. सो ये चार पांच चीजें जो है ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और वैसे भी आप इससे बाहर निकलते हैं तो एज ए हेल्थी स्नैक अपनी डेली की रोजमर्रा की रूटीन के अंदर डालना मत भूलें बिकॉज अन अ लॉन्ग रन अगर आप यू आर मंचिंग ऑन फूड आपका मेटाबॉलिज्म विल स्टे एक्टिव और एक दो मीलें भी आप दिन में खा लेंगे ना यू आर बैलेंसिंग योर फूड आउट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ अ डे आपका मेटाबॉलिज्म तेज रहेगा हेंस यू विल स्टे फिट longer period of time. I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें. डाउनलोड करके टोटो टोटो में गलत वाले टोटो नहीं बट टोटो टोटो में इसको टिकटॉक पे भी चढ़ा रहे ना भूलिएगा. थैंक यू.